चैनल आज हम आ चुके हैं पटना के सड़कों पे और हम फिर से जाने वाले हैं NIT फिर से, इसलिए क्योंकि ये पार्ट 2 है गंगा पाथवे का। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख ले, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। और अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमें फॉलो करने का इंस्टाग्राम पे भी, और यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। हमने एंड किया था TN बनर्जी घाट पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं TN बनर्जी घाट पे। तो अब हम जाएंगे आगे, अब पता नहीं कितने सारे घाट हम कवर कर पाएंगे और हमें पता भी नहीं है कि आगे कौन सा घाट है। तो चलिए चलते हैं, और ये पार्ट 2 है और अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। हम सुबह के 8 बजे ही आ गए थे यहाँ शूट करने, क्योंकि सुबह का जो टाइमिंग होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पे साफ सफाई चल रहा था और फिर हम अपना शूट भी कर रहे थे। TN बनर्जी घाट से चलते चलते आप पहुंचेंगे मिश्री घाट। मिश्री घाट पटना मेडिकल कॉलेज में से 2 घाटों में से एक है और इसमें एक शिव भगवान का मंदिर भी है। और फिर आप चलते चलते पहुंचेगा अदालत घाट। अदालत घाट पटना कोर्ट कैंपस के पीछे ही है और इसमें पहले एक कंटोनमेंट था जो अब शिफ्ट हो गया है दानापुर में। चलते चलते आप पहुंचिएगा महेंद्रू घाट, और महेंद्रू घाट का नाम सम्राट अशोक के सबसे पहले बेटे के नाम पे पड़ा है, और इसी घाट से महेंद्र 246 BC में श्रीलंका गए थे टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और अब हम पहुंच गए हैं पर्यटन विभाग, और आपको यहाँ पे एक चीज तो जरूर दिखेगा कि आपको हर एक जगह पे कोई ना कोई मंदिर जरूर मिलेगा, चाहे वो दुर्गा माँ का हो, चाहे वो शिव जी का हो या हनुमान जी का, आपको यहाँ पे हर जगह पे एक ना एक मंदिर जरूर मिलेगा। फिर आप पहुंचिएगा BN कॉलेज घाट। BN कॉलेज घाट BN कॉलेज के कैंपस के जस्ट पीछे ही है और ये एक पार्ट है बांकेपुर कंटोनमेंट का। और पता नहीं अभी शायद इतना गर्मी है इसलिए सारे घाट्स तो सूखा हुआ था, यहाँ के सारे घाट्स सूखे हुए थे। और हमने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अंटा घाट सबसे पुराना सब्जियों का थोक का मार्केट रहा है। बिहार का सबसे पुराना यूरोपियन क्लब है जिसे हम बांकेपुर क्लब के नाम से जानते हैं। सो
चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अंटा घाट। अब पता नहीं और कितना दूर है, क्योंकि अभी भी तो लग रहा है यहाँ पे आपका वो है गंगा रिसर्च सेंटर। तो देखते हैं, चलिए जा पाते कि नहीं। थक तो काफ़ी गए हैं, टीएन बनर्जी घाट से करके यहाँ तक आए, पर चलिए चलते हैं। हमने कर दिया है यहाँ पे एंड। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे गंगा जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी हम गंगा रिसर्च सेंटर के कैंपस में हैं। टीएन बनर्जी घाट से अंटा घाट तक हम लोग आए और यहाँ गंगा रिसर्च सेंटर पे हमारा ये एंड हो चुका है ये ब्लॉग। तो फिर पार्ट 3 भी जल्द आएगा, तो जो हम कवर करेंगे NIT से आगे तक। अब पता नहीं आगे कौन सा घाट है, तो उसको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बिहारी लोग को ज़रूर शेयर करें कि हमारा बिहार क्या है, कैसा है, हमारा पटना कैसा है, कि लोग देखें कि हाँ ऐसा यहाँ पे कुछ है। तो काफ़ी प्यारा लगा, यहाँ का मधुबनी पेंटिंग हमें बहुत अच्छा लगता है। और चलिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पे भी। और हमें इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपडेट मिलते रहेगा कि अभी कौन सा ब्लॉग आने वाला है, क्या आने वाला है। अब ब्लॉग आ चुका है तो आपको, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा आपको अपडेट रहने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।